हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ए क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन नीट लेवल का। तो पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में केवल चार ही टॉपिक हैं जहां से मेन मेन हमारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। उसके बाद एंट्रोपी कैलकुलेशन है, गिब्स रिलेशन है, और यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मेनली वर्क डन से हमें कैलकुलेशन पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम रिवीजन करते हैं फास्टली। होपफुली आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रशअप कराने की कोशिश करूंगा, तो आप तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सिस्टम से। सिस्टम तीन तरह के होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट या फिर हम बोलते हैं एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज अगर पॉसिबल है उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो ओपन सिस्टम क्या होगा, ऐसा सिस्टम जो यूनिवर्स के साथ या सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज कर सकता हो। क्लोज सिस्टम जैसे आप ओपन कंटेनर में पानी को गर्म करें तो मैटर वहां पर वाटर भी बाहर जा सकता है और थोड़ी देर बाद पानी ठंडा हो जाता है तो वो क्या हुआ, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या हुआ, जो मैटर का एक्सचेंज तो नहीं कर सकता हो बिकॉज आपने क्या कर दिया, वाटर को गर्म कर रहे थे आपने, ऊपर से लिड डाल दिया, ढक्कन लगा दिया, तो वो अब वाटर बाहर नहीं जा सकता, बट एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। तो इसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम, ठीक है। देन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, ऐसा सिस्टम जो ना तो हीट का एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता हो ना ही मैटर का एक्सचेंज कर सकता, दोनों का एक्सचेंज यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी का भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, मैटर का एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है। एक तरीके से आप थर्मस की बात कर सकते हैं, थर्मस कुछ टाइम तक वहां पे एनर्जी का लॉस भी रोक सकता है, मैटर का लॉस भी रोकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज की, सॉरी हम बात करते हैं यहाँ पर दो तरह के फंक्शन की हम बात करेंगे। एक होता है स्टेट फंक्शन एंड सेकंड वन इज पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करती है, उसकी स्टेट पे डिपेंड करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन क्या होगा, सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी वो जो इस बात पे डिपेंड करती है कि सिस्टम ने जो भी प्रोसेस किया है वो किस पाथ से किया है। तो यहाँ पर दो ही पाथ फंक्शन होते हैं, हीट एंड वर्क, ये बिल्कुल याद रखें। हीट एंड वर्क के अलावा जो भी फंक्शन है वो क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी, सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पर मास पर डिपेंड नहीं करती हो वो एक्सटेंसिव, और सॉरी जो मास पर डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो मास इंडिपेंडेंट होती है वो क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको समझने के लिए आप ऐसा देखिए कि सपोज जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो दो पार्ट में डिवाइड करने से क्या दोनों पार्ट का वॉल्यूम डिफरेंट होगा क्या, यस। तो वॉल्यूम डिफरेंट हो गया तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर या साइज पर डिपेंड करती है वो क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इसके अलावा कि यहाँ पर कुछ चीजें और है जो यहाँ पर मास डिपेंडेंट होती है, जैसे हम यहाँ पर बात करें मोल्स की, अगर सपोज आपने कोई 1 kg सॉल्ट ले रखा है, शुगर ले रखा है, अगर आप उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें तो दोनों में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। वैसे ही यहाँ पर टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होती है, मास डिपेंडेंट होती है। उसके अलावा एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या है, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, राइट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी, जो मास पे डिपेंड नहीं करती हो। कैसे पता करें कि आपने, आप जिस भी रूम में बैठे हैं उसका दो पार्टीशन कर दीजिए, दोनों में टेम्परेचर क्या है, सिमिलर है, दोनों में प्रेशर क्या है, सिमिलर है, तो टेम्परेचर प्रेशर क्या है यहाँ पर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, 1 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ले या 100 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सिमिलर होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट या फिर विस्कोसिटी या फिर आप दे दीजिए क्या,
पीएच, कंसंट्रेशन, ये सब क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो मास पर या साइज पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, बिल्कुल इजी पॉइंट है कि आइसोथर्मल कौन कौन सा प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस तो उसमें टेम्परेचर क्या रहता है थ्रू ऑफ द प्रोसेस, कॉन्स्टेंट, राइट। तो यहाँ पे सपोज कोई प्रोसेस है, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है, वहां पर टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, बट फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर अगर 300 केल्विन है, यहाँ पे सपोज 500 केल्विन और यहाँ पर सपोज 150 केल्विन है, तो कैसे आइसोथर्मल बोला जाएगा कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर टेम्परेचर सिमिलर है बट यहाँ पे पॉइंट पे बीच बीच में टेम्परेचर वेरी हो रहा है, तो ये आइसोथर्मल नहीं होगा। आइसोथर्मल क्या होगा, थ्रू ऑफ द प्रोसेस यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। तो यहाँ पे डी टी क्या होगा, स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन भी क्या होगा, जीरो होगा, और डेल्टा टी भी क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर डेल्टा टी तो जीरो है बट डी टी क्या है, जीरो नहीं है। तो यहाँ पे डी टी जीरो, डेल्टा टी जीरो होना आइसोथर्मल प्रोसेस का साइन नहीं है, डी टी जीरो होना चाहिए। डेल्टा आइसोथर्मल प्रोसेस है और डेल्टा टी तो जीरो होगा ही, कि अगर यहाँ से और यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन था और फाइनल टेम्परेचर भी 300 केल्विन है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, थ्रू ऑफ द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मींस वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा वी क्या होगा, जीरो होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक में पी क्या रहता है, प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट, तो डेल्टा पी क्या होगा, जीरो होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज क्या होता है, जीरो होता है। क्यों क्या होता है, जीरो होता है। और एक प्रोसेस होता है साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जहां से स्टार्ट करते हैं और वहां पर ही वापस आते हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस उसे ही बोलते हैं। तो सपोज यहां पर हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करें, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करके वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे, तो जहां से स्टार्ट किया वापस वहां पर आ रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। तो जहां पे प्रेशर इनिशियल प्रेशर जो था और इनिशियल वॉल्यूम जो था, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम भी वही है, तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, जहां से स्टार्ट किया वहां पर वापस आ जाए, मींस इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो, सिमिलर हो, तो हम क्या बोलेंगे, इन साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन सिमिलर है तो इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर क्या होगा, सिमिलर होगा। इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर सिमिलर, इनिशियल प्रेशर फाइनल सॉरी इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सिमिलर, इनिशियल इंटरनल एनर्जी फाइनल इंटरनल एनर्जी। अब इसका पोजीशन इनिशियल और फाइनल क्या है, सिमिलर है, यानी इसका स्टेट फंक्शन इनिशियल वाला और फाइनल वाला क्या होगा, सिमिलर होगा। इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सिमिलर है, तो हम क्या बोलेंगे, इन साइक्लिक प्रोसेस। अब यहां पे अगर इनिशियल प्रेशर सपोज 2 atm था, फाइनल प्रेशर भी कितना होगा 2 atm, तो चेंज कितना होगा यहाँ पर, जीरो। अगर इनिशियल वॉल्यूम सपोज 5 लीटर था, फाइनल वॉल्यूम भी कितना होगा 5 लीटर, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम क्या बोलेंगे, इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन, क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर डेल्टा वी की बात करें, डेल्टा पी की बात करें, डेल्टा टी की बात करें, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये सब क्या होंगे यहाँ पर, जीरो हो जाएंगे। तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये तो हमने बात किया टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बेसिस पर, इतने तरीके के आपको प्रोसेस मिलेंगे। अब हम पाथ के बेसिस पर देखते हैं, पाथ के बेसिस पर दो तरीके के हम प्रोसेस की बात करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस कौन होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन होता है, तो ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में बात करते हैं प्रोसेस का, दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ऐसे प्रोसेस जो काफी स्लो होते हैं, उसमें ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स के बीच में डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, राइट। आपको आइडेंटिफाई करना जरूर होना, आइडेंटिफिकेशन जरूर होना चाहिए कि रिवर्सिबल कौन है और इरिवर्सिबल कौन है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें एफ ड्राइविंग एंड एफ ऑपोजिंग। आप चाहें तो इसको डिटेल में, डिटेल नोट्स में देख सकते हैं, डिटेल वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा हिंट देके बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है, कि सपोज कोई पिस्टन रखा हुआ है, वहां पे आप उसको कंप्रेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं,
सपोज 1 मिलीग्राम मास पुट करके इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो जैसे आपने 1 मिलीग्राम मास रखा, ये पिस्टन क्या होगा, कंप्रेस होगा 1 मिलीग्राम के अकॉर्डिंग, राइट। तो जैसे थोड़ा सा कंप्रेशन हो, उसके बाद पिस्टन रुक जाएगा, यानी इनिशियल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, यानी दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो गया। फर्दर 1 मिलीग्राम मास और रखा तो वहां पे फर्दर थोड़ा सा कंप्रेशन हुआ, फिर पिस्टन थोड़ी देर बाद वापस रुक जाएगा। फर्दर 1 मिलीग्राम मास रखा तो वापस पिस्टन थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। तो वहां पे काफी स्लो प्रोसेस रहने वाला है, और यहाँ पर इन दोनों बाहर से जो 1 मिलीग्राम मास लग रहा है उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे फोर्स क्रिएट होने वाला नहीं है। तो इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक ड्राइविंग फोर्स होता है और एक अपोजिंग फोर्स होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, राइट। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। इक्विलिब्रियम एट ईच स्टेप, हर रिवर्सिबल प्रोसेस काफी स्लो प्रोसेस होता है, बीच बीच में वहां पे जितने भी इंटरमीडिएट स्टेप्स होती है वहां पे आपको इक्विलिब्रियम मिलता है। अगर इक्विलिब्रियम मिलता है यानी वहां पे पिस्टन रुका हुआ है, अगर ये पिस्टन रुका हुआ है तो इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा, इस कंटेनर के अंदर कितना गैस है उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो आप मेजर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं तो प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर पता है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप प्रेशर मेजर कर पाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर वॉल्यूम can be measured at intermediate steps, right? Pressure volume को आप यहाँ पर measure कर सकते हैं, ठीक है। Next step की हम बात करें कि काफी slow process है, तो ये क्या रहेगा, infinite time to complete, यहाँ पे प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, एंड इनफाइनाइट स्टेप्स टू कंप्लीट। तो ये पॉइंट अगर आपको पता है तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो प्रोसेस आपको गिवन है वो कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस। सेकंड, हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या किया, 1 मिलीग्राम की जगह 1 kg का मास पुट किया, तो 1 kg का मास पुट किया तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से कंप्रेशन होने वाला है, सडन कंप्रेशन होगा। सडन कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1 मिलीग्राम में आप इसमें क्या कर रहे थे, सपोज 1 मिलीग्राम मास पुट कर करके 1 kg के बराबर का मास पुट करना चाहते हैं, बट वो क्या हुआ, छोटे छोटे फ्रैक्शन में आप पुट कर देते हैं। अब इरिवर्सिबल में क्या किया, आपने पिस्टन पे डायरेक्ट 1 kg का मास पुट कर दिया, तो जैसे आप 1 kg का मास पुट करेंगे तो एकदम से पिस्टन नीचे प्रेस हो जाएगा, सडन कंप्रेशन होगा। सडन कंप्रेशन होगा तो यहाँ पे कंप्रेशन क्या होगा, एकदम से होने वाला है, एकदम से होगा तो काफी फास्ट होगा। तो यहाँ पे फास्ट कब होगा, जब इधर से लगने वाला फोर्स क्या हो, काफी ज्यादा हो, तो हम क्या बोलेंगे, एफ ड्राइविंग और एफ ऑपोजिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फाइनाइट नहीं होता है, राइट। इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होता है, फाइनाइट होता है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, नेग्लिजिबल नहीं होती है। अब एकदम से मास पुट किया जाए तो प्रोसेस कैसा होगा, फास्ट प्रोसेस होगा, फास्ट प्रोसेस तो फाइनाइट टाइम में खत्म हो जाएगा, कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, फाइनाइट स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट इन फाइनाइट स्टेप्स, राइट। फास्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये फास्ट प्रोसेस है तो इनिशियल और फाइनल स्टेप के बीच में कहीं पर ये रुकने वाला नहीं है, कहीं पर बीच में रुकेगा नहीं, तो आपको यहाँ पे बीच की किसी भी स्टेप का प्रेशर वॉल्यूम पता नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम Pressure and volume cannot be measured in intermediate stage. Pressure volume को आप measure नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा जो आपको question में identify होता है वो क्या होता है, sudden change होने वाला है, sudden एकदम से compress होगा, एकदम से expand होगा, sudden expansion and sudden compression। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है या फास्ट प्रोसेस लिखा हुआ है तो वो क्या हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके अलावा यहाँ पर और क्या हो सकता है, सडन एक्सपांशन, सडन कंप्रेशन। इसके अलावा और क्या आपको टर्मिनोलॉजी गिवन हो सकती है, कि यहाँ पे अगर एक्सपांशन हो रहा है तो एक्सपांशन को रोकने वाला कौन होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ही होगा। तो यहाँ पे जो एक्सपांशन है, एक्सपांशन अगेंस्ट
एक्सटर्नल प्रेशर, अगर एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपांशन हो रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल। तो एक पॉइंट, तीन पॉइंट, तो आप दो पॉइंट तो बिल्कुल ध्यान रखें, सडन एक्सपांशन सडन कंप्रेशन गिवन है, एक्सपांशन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है, तो ये प्रोसेस कैसा होगा, या ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्सपांशन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सपांशन अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर ये टर्म्स लिखे हुए हैं तो इसका मीन प्रोसेस कैसा हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट बात करें सिस्टम के साथ हम एनर्जी को किस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं, दो तरीके से एक्सचेंज किया जा सकता है, या तो हीट के थ्रू या वर्क के थ्रू। हीट क्या होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो उसे हम हीट बोलते हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा किसी भी और तरीके से एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो हीट क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द हीट, फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एंड व्हाट इज वर्क, फ्लो ऑफ एनर्जी अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस। तो दो तरीके से एनर्जी हम यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें साइन कन्वेंशन का, तो यहाँ पे साइन का कन्वेंशन क्या करते हैं कि अगर सिस्टम को हीट का सप्लाई हो रहा है या एनर्जी का सप्लाई हो रहा है तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर सिस्टम से एनर्जी का लॉस हो रहा है तो उसे नेगेटिव लिया जाएगा। तो अगर सिस्टम को हीट सप्लाई हुआ, क्यू अगर सिस्टम को जा रहा है तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर वर्क सिस्टम पे हो रहा है तो उसे भी क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जा रहा है। वर्क सिस्टम पे वर्क होने का मीन्स कंप्रेशन, तो अगर कंप्रेशन है तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव, राइट। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें कि अगर सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो वहां पे हीट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और अगर यहाँ पे सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है तो ये वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है इसका मीन्स क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, तो अगर एक्सपांशन हो रहा है तो डब्ल्यू कैसा होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, राइट। हीट सप्लाई टू सिस्टम अगर सिस्टम को हीट सप्लाई हो रही है तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव, और हीट लूज्ड बाय सिस्टम अगर सिस्टम के थ्रू हीट लूज हो रही है तो वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता है हीट सप्लाई टू द सिस्टम या हीट लॉस्ट बाय सराउंडिंग, सिस्टम को हीट सप्लाई हो रही है इसका मीन सराउंडिंग ने क्या क्या होगा, हीट का लॉस किया होगा। तो हम यहाँ पर जो भी साइन लेते हैं वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो अगर सराउंडिंग ने हीट लॉस किया है तो डेफिनेटली सिस्टम ने गेन किया होगा, तो वो हीट सिस्टम के लिए क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ पर ऐसा भी लिखा जा सकता है हीट गेन बाय सराउंडिंग, तो अगर सराउंडिंग हीट गेन करा है तो डेफिनेटली सिस्टम ने हीट को लॉस किया होगा, बट हम यहाँ पे जो भी साइन लेते हैं वो किसके सिस्टम के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो अगर सिस्टम हीट लॉस करा है तो वो कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि यूनिवर्स का टोटल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर कंजर्व रहता है, एनर्जी का कोई लॉस होता नहीं है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, प्लॉट कि अगर यहाँ पे सिस्टम के पास कुछ इनिशियल एनर्जी है ई, और उसको हम कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इन टर्म ऑफ हीट इन टर्म ऑफ वर्क, तो उसका टोटल एनर्जी इनिशियल एनर्जी को हम ले लेते हैं, सिस्टम का इनिशियल जो भी एनर्जी होता है गैस के पास जितना भी टोटल एनर्जी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, ट्रांसलेशन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो सकता है, वाइब्रेशन एनर्जी हो या हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी हो। तो गैस का जो भी एनर्जी होता है वो सबको हम क्या बोलते हैं, मिलाकर इंटरनल एनर्जी। तो गैस के पास इनिशियली कुछ एनर्जी था, हमने हीट से उसको एनर्जी सप्लाई किया, उस पर वर्क किया, उसका कुछ फाइनल एनर्जी हो गया E2, तो E हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग की टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, जितना इनिशियल एनर्जी था प्लस जितना एनर्जी आपने हीट और वर्क की फॉर्म में सप्लाई किया वही क्या होगा, यहाँ पर इंटरनल फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ई टू माइनस ई वन क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, या डिफरेंशियल इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई आर इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, या डिफरेंशियल फॉर्म में D इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, जो हीट एक्सचेंज हो रहा है प्लस जो स्मॉल वर्क यहाँ पे सिस्टम पे किया गया है, तो डेल्टा E क्या होगा, Q प्लस डब्ल्यू के बराबर। अब जो डेल्टा E है वो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी होता है E वो किसके बराबर, जितना भी एनर्जी होता है रोटेशनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चाहे वो रोटेशन एनर्जी हो, वाइब्रेशन, काइनेटिक, थर्मोडायनेमिक, कोई सी भी एनर्जी हो, सबका सम किसके बराबर, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के बराबर। सो रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, बॉन्ड एनर्जी,
न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सब एनर्जी का सम किसके बराबर? यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस या इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर होता है। अब जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मीन डेल्टा टी क्या होगा, जीरो। तो डेल्टा टी अगर जीरो है तो डेल्टा ई भी क्या होगा, जीरो। इसका मींस अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो इंटरनल एनर्जी में कोई वेरिएशन होने वाला नहीं है। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं डीई अपॉन डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, जीरो होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो आप कुछ भी चेंज कर दीजिए, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है और आप प्रेशर को चेंज करें तो इंटरनल एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं होगा। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है और वॉल्यूम को वेरी कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी में कुछ भी वेरिएशन होने वाला नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी किसका होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी। इसमें हम यहां पर आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस क्या होता है, एन एफ आर बाय टू डॉट टी के बराबर होता है। तो यहां से हम इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, किसी कंट्री में आपको कोई गैस फील्ड है उसके इंटरनल एनर्जी में वेरिएशन देखना है तो डेल्टा ई क्या होगा, एन एफ आर बाय टू डॉट डेल्टा टी के बराबर। तो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इफ डेल्टा टी जीरो हो गया तो डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। एफ क्या होगा यहाँ पे, एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे अगर मोनो एटोमिक गैस के लिए बात करें, मोनो एटोमिक गैस मीन्स हीलियम, नियोन, आर्गन, इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, थ्री होता है, राइट। यहाँ पे जो हम केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं वो कौन कौन सा हुआ, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल। बट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई टेम्परेचर पे कंसीडर की जाती है तो हम दो ही डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। उन दोनों का सम यहाँ पर मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, थ्री होता है। अगर हम यहाँ पे लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस की बात करें, लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस लाइक N2, O2, C2H2, CO2, इनके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, 5 के बराबर। एंड बात करें यहाँ पे नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, 6 के इक्वल होता है, राइट। तो ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखें, अगर आपको आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से भी आप इंटरनल एनर्जी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वर्क डन। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, गैस के थ्रू कितना वर्क डन हो रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल जो फॉर्मूला है वर्क डन का, dW = -PdV। dV क्या होगा, वॉल्यूम चेंज, P क्या होगा यहाँ पर, एक्सटर्नल प्रेशर, राइट। इसके अलावा अगर इंटीग्रेट करते तो वर्क कितना होगा, -P ΔV। इससे वर्क डन हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अगर एक्सपांशन हो रहा होगा तो वर्क डन कैसा लेना है आपको, नेगेटिव, और कंप्रेशन होगा तो वर्क डन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो एक्सपांशन की हम बात करें तो एक्सपांशन में वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा तो V2 - V1 का डिफरेंस कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव। तो V2 - V1 का डिफरेंस पॉजिटिव है, डेल्टा भी पॉजिटिव है, तो वर्क डन कैसा होगा यहाँ पर, नेगेटिव, राइट। और कंप्रेशन की हम बात करें, कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कम। तो V2 - V1 क्या होता है यहाँ पर, नेगेटिव होगा। तो W कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिल जाएगा, राइट। तो एक्सपांशन में वर्क डन नेगेटिव होता है, कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है। आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस की बात करेंगे। फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके के प्रोसेस है आइसोथर्मल के अंदर, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है एंड दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो दोनों में ही वर्क डन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, राइट। तो पहले हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस में बिकॉज हमें यहाँ पर जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो धीरे धीरे एक्सपांड होता है, वहां पे हमें हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर प्रेशर वॉल्यूम पता है। तो आपको हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर प्रेशर पता है, वॉल्यूम का वैल्यू पता है, और वहां पे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम आता है। तो हम क्या बोलते हैं, हर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर
पी एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, पी गैस के बराबर। क्यों? क्योंकि पिस्टन रुका हुआ है, पिस्टन रुका हुआ है तो कंटेनर के अंदर जो भी गैस है उसका प्रेशर और जो बाहर का प्रेशर है वो आपस में हर पॉइंट पर बराबर रहने वाला है, राइट। तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर और गैस के बराबर होता है। तो वर्क डन यहाँ पे आप किसे निकालते हैं, डीडब्ल्यू क्या होगा, माइनस पी गैस इंटू डीवी। पी गैस को आप क्या पुट कर सकते हैं, एन आर टी अपॉन वी इंटू डीवी। तो इंटीग्रेट कर देंगे हम यहाँ पर डब्ल्यू वन से डब्ल्यू टू और वी वन से वी टू तक, तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू मिल जाता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो ये वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं, पी वन वी वन किसके बराबर होता है, पी टू वी टू के। तो वी टू अपॉन वी वन को आप क्या ले सकते हैं, P1 अपॉन P2 भी पुट किया जा सकता है, राइट। अब अगर आइडियल गैस का एक्सपांशन कंप्रेशन हो रहा है तो वहां पे आप क्या बोल सकते हैं, nRT को किसके बराबर, PV के बराबर। तो यहां पे इस टर्म को रिप्लेस करके आप क्या पुट कर सकते हैं, PV प्रोडक्ट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो P2 P2 या P1 V1। तो W रिवर्सिबल और क्या पुट कर सकते हैं आप यहां पे, माइनस P1 V1 ln V2 अपॉन V1 या फिर माइनस P2 V2 ln V2 अपॉन V1 या फिर वॉल्यूम की सॉरी प्रेशर की टर्म में माइनस P1 V1 ln P1 अपॉन P2 या फिर माइनस P2 V2 ln P1 अपॉन P2। तो ये चारों रिलेशन से आप यहाँ पे वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस या इन रिलेशन से वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन नेगेटिव मिलेगा और अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में स्लो स्लो एक्सपेंशन होता है, काफी स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा और धीरे धीरे कंप्रेशन होगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम की बात करें, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पे बिकॉज स्लो एक्सपांशन स्लो कंप्रेशन हो रहा है तो हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर आपको प्रेशर वॉल्यूम पता है। प्रेशर वॉल्यूम पता है तो आप हर इंटरमीडिएट पॉइंट पर प्रेशर वॉल्यूम पता कर सकते हैं, हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर P इंटू V का वैल्यू, PdV का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो PdV का वैल्यू आपको पता हो जाएगा तो वर्क डन निकाल पाएंगे। हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर आपको पता है कितना वर्क डन हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर एक्सपांस हो रहा है तो ये वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। यही चीज हम कंप्रेशन के केस में भी बोल सकते हैं। अगर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम की बात करें, ये यहाँ पर इनिशियल V1 इनिशियल वॉल्यूम, यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल से फाइनल जाएंगे तो ये एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सभी ग्राफ जो फॉर्मूला है वो आप याद रखिएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस का। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन किसके अकॉर्डिंग होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे W क्या होता है, माइनस पी एक्सटेंड और डेल्टा वी, केवल इतना ही फॉर्मूला है इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का, राइट। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट। सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क डन आप किससे निकालेंगे, माइनस पी एक्सटेंड और डेल्टा वी से यहाँ पर निकाल लेंगे, क्लियर। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का आपको रिलेशन फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पर बताया था कि जब इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो सडन एक्सपांशन या सडन कंप्रेशन हो रहा है, बीच में कहीं पर पिस्टन रुकने वाला नहीं है। तो अगर बीच में कहीं पर पिस्टन नहीं रुकेगा तो आपको ये भी पता नहीं है कि बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट पर प्रेशर क्या है, इंटरमीडिएट पॉइंट पर वॉल्यूम क्या है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस में, तो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ इनिशियल पॉइंट यहाँ पर था, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं P1 और V1। हम बात करें एक्सपांशन की, तो जब यहाँ पर एक्सपांशन होगा तो एकदम से फाइनल वॉल्यूम आपको मिलेगा, बीच में कहीं पर यहाँ पर वॉल्यूम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि पिस्टन रुक नहीं रहा है। अगर पिस्टन रुक नहीं रहा है तो इंटरमीडिएट पॉइंट पर आपको वॉल्यूम पता नहीं है, प्रेशर पता नहीं है, और इंटरमीडिएट पॉइंट पर आप वर्क डन को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो जो वर्क डन होगा वो किससे निकालेंगे, माइनस पी एक्सटेंड डेल्टा वी। एक्सपांशन हो रहा है
तो इसका मीन सपोज अंदर प्रेशर 5 एटीएम है, बाहर प्रेशर 1 एटीएम है, दोनों में प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फाइनाइट डिफरेंस हो गया। तो फाइनाइट डिफरेंस तो यहाँ पे सडन एक्सपांशन होगा, कब तक होगा, जब तक कि फाइनल प्रेशर किसके बराबर नहीं हो जाता 1 एटीएम के बराबर। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर होगा किसके बराबर होगा, 1 एटीएम के बराबर होगा, यानी पी टू किसके बराबर, पी एक्सटर्नल के बराबर। तो जब पी टू एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब तक एक्सपांशन यहाँ पर होता रहेगा, और पी इंटू डेल्टा बी से आप वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल एक्सपांशन प्रोसेस। सिमिलरली हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में क्या होगा, यहाँ पर बाहर प्रेशर सपोज 5 एटीएम, अंदर प्रेशर सपोज 1 एटीएम, तो सडन कंप्रेशन होगा, राइट, एकदम से पिस्टन क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, पिस्टन कंप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे कब तक कंप्रेशन होगा, जब तक कि इंटरनल प्रेशर किसके बराबर नहीं हो जाता, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे इंटरनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना था सपोज, यहाँ पे V1 वॉल्यूम, P1 प्रेशर था, कब तक कंप्रेशन होगा, जब तक यहाँ पे प्रेशर कितना नहीं हो जाता, अंदर का प्रेशर 5 एटीएम, यानी जब तक ही प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे क्या होता रहेगा, कंप्रेशन होता रहेगा। तो इनिशियल ये एक्सटर्नल प्रेशर है, सपोज फाइनल वॉल्यूम आपको मिल गया V2, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना था 5 एटीएम, वॉल्यूम चेंज जितना भी होगा उनका डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन। तो एक्सटर्नल प्रेशर P डेल्टा V, तो P इतना है, डेल्टा V इतना है, तो ये एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन का। तो ये पूरा का पूरा, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा होगा, 5 एटीएम यहाँ से यहाँ तक है, तो ये P डेल्टा V किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन का वर्क डन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर V1 और V2 को सेम रखते हुए कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होगा, तो एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन को। तो जिसका एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा होगा उसका वर्क डन क्या है, सबसे ज्यादा। हम यहाँ पर इसका वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, बिकॉज ये एक्सपेंशन है। इसका वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, बिकॉज ये कंप्रेशन है। इसका वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, बिकॉज ये एक्सपेंशन है। और इसका वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, बिकॉज ये कंप्रेशन है। तो कंपेरिजन ऑफ वर्क, हमें किसकी बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सबसे ज्यादा वर्क डन कहां पर होगा, इरिवर्सिबल कंप्रेशन में। हम मैग्नीट्यूड वाइज ले रहे हैं, ठीक है, हम साइन की बात नहीं करें। तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होगा, इरिवर्सिबल कंप्रेशन। देन फिर इन दोनों का वर्क डन आ जाएगा, दोनों का वर्क डन मैग्नीट्यूड वाइज सिमिलर होगा, अगर यहाँ पे वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल का वैल्यू हमने सिमिलर रखा हुआ है। तो वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल एक्सपांशन किसके बराबर होगा, वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल कंप्रेशन। और सबसे कम वर्क डन किसका होगा, डब्ल्यू इरिवर्सिबल एक्सपांशन का, ठीक है। तो ये वर्क डन का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बात करें, डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज डेल्टा डी जीरो होता है, तो क्यू किसके बराबर, डब्ल्यू किसके बराबर, माइनस क्यू के बराबर। तो इसका क्या मीनिंग है कि अगर W पॉजिटिव हुआ तो Q कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर W नेगेटिव हुआ तो Q कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। तो इसका मींस क्या है, अगर आप सिस्टम पे कुछ वर्क कर रहे हैं, वर्क करके कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो जितनी एनर्जी आप सप्लाई करेंगे उतना एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो जाएगा, ताकि सिस्टम का टेम्परेचर वेरी ना हो। अगर आप सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करें तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, बट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना है तो हम क्या करेंगे, हीट का लॉस कर देंगे, राइट। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो हीट कैसा होगा, नेगेटिव, और अगर वर्क डन नेगेटिव है तो हीट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव है, वर्क डन ऑन सिस्टम किसके बराबर होगा, क्यू नेगेटिव हुआ, हीट लूज बाय सिस्टम। और अगर वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव हुआ वर्क डन बाय सिस्टम अगर सिस्टम के थ्रू वर्क डन हो रहा है तो इसका मीन्स उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही होगी, तो इसके बराबर होगा हीट गेन बाय सिस्टम, राइट। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखें। सेकंड हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस।
आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा जीरो, तो डब्ल्यू क्या होता है माइनस पी डेल्टा वी, अगर डेल्टा वी जीरो है तो डब्ल्यू क्या होगा यहाँ पर जीरो होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है पिस्टन का मूवमेंट नहीं हुआ है तो वर्कडन क्या होगा यहाँ पर जीरो रहने वाला है, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू जीरो है तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा क्यू के बराबर, अब बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट हो इसे हम क्या बोलेंगे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं बिकॉज वर्क डन तो होने वाला नहीं है तो जो हीट सप्लाई करेंगे वो किसके बराबर होगा इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर, अगर हीट यहाँ पे सिस्टम ने गेन किया तो इंटरनल, अगर क्यू पॉजिटिव हुआ तो इंटरनल एनर्जी कैसा होगा चेंज पॉजिटिव यानी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, हम क्या बोलेंगे इफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा यू भी क्या होगा पॉजिटिव यानी डेल्टा यू पॉजिटिव यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव यानी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल के रिस्पेक्ट में क्या होगी ज्यादा यानी टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज होगा बिकॉज इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई यानी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा, सेकंड बोलते हैं अगर हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो डेल्टा यू भी कैसा होगा नेगेटिव, डेल्टा यू अगर नेगेटिव है इसका मींस इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होगी डिक्रीज हो रही होगी यानी टेम्परेचर क्या हुआ डिक्रीज हो गया, ठीक है तो दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट थर्ड हम बात करें आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन कैसा सिंपल फॉर्मूला माइनस पी एक्स्ट्रा डेल्टा वी के बराबर लेंगे या फिर पी डेल्टा वी, इसको आप क्या ले सकते हैं एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, तो इन दो फॉर्मूले से आप आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन का कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और सीवी क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डायरेक्ट रिलेशन की हम बात करेंगे यहाँ पर डेल्टा यू की बात करें पहले तो डेल्टा यू क्या होता है अगर हम सीपी है मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम तो ये डेल्टा यू क्या होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो अभी हमने बात की वर्क डन क्या होता है इफ डेल्टा वी इक्वल टू जीरो तो W क्या हो जाएगा जीरो, तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर डेल्टा U के बराबर, और आइडियल केस के लिए डेल्टा U को आप क्या लिख सकते हैं एन एफ आर बाय टू डॉट डेल्टा T के बराबर लिख सकते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है वन मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर वन डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की है तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगा एनसीवी डेल्टा टी के बराबर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं एनसीवी डेल्टा टी लिख सकते हैं, तो डेल्टा यू क्या होता है एन एफ आर बाय टू डेल्टा टी के बराबर या फिर एनसीवी डेल्टा टी के बराबर, तो यहाँ से सीवी एन से कैंसिल आउट हो जाएगा डेल्टा टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीवी क्या होगा यहाँ पे एफ आर बाय टू के बराबर, तो ये तो आपको मिला सीवी का वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम पर एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है और वो होता है एनसीपी डेल्टा टी के बराबर, अच्छा ये पॉइंट ध्यान रखें हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर और क्या होता है एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होता है, ये जो रिलेशन हमने यहाँ पर निकाला है, और हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है डेल्टा एच के बराबर एनसीवी डेल्टा टी के बराबर, सीपी और सीवी में हम डायरेक्ट रिलेशन लेंगे सीपी माइनस सीवी जो होता है वो आर के बराबर होता है, इसको मेयर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, अगर हम यहाँ पे बोथ साइड सीपी और सीवी का अगर रेशियो ले लें तो सीपी और सीवी का रेशियो जो होता है वो गामा के बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो, राइट तो अगर हम यहाँ पे बोथ साइड सीवी से डिवाइड कर दें तो सीपी अपॉन सीवी माइनस सीवी अपॉन सीवी किसके बराबर होता है आर के बराबर, तो सीपी माइनस सीपी अपॉन सीवी क्या हुआ गामा माइनस वन किसके बराबर आर अपॉन सीवी के बराबर, तो ये एक रिलेशन भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक लीनियर और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं और गामा की बात करते हैं, तो ये देख चुके हैं मोनोएटॉमिक के लिए गामा 3 होता है सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है डायएटॉमिक एंड लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 5 होता है, एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें O2 N2 C2H2 एंड CO2 ये पॉलीएटॉमिक लीनियर हो गया, नॉन लीनियर क्या होगा NH3 SO3 CH4
C2H6 एक्सेट्रा, ये सब जैसे ऐसी है नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है। तो नॉन मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायएटॉमिक लीनियर के लिए 5, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 6 होता है। CV की बात करें तो CV कितना होगा 3R/2, CV की बात करें कितना होगा 5R/2, एंड यहां पर CV की बात करें कितना हो जाएगा 6R/2। इधर CP की बात करें क्या होगा F+2/2 × R, यानी 5R/2। इधर कितना होगा CP का वैल्यू 7R/2, और यहां पे कितना CP का वैल्यू 8R/2। अब रेशियो ले लेंगे गामा CP अपॉन CV, तो F+2/F ये क्या होगा गामा 5/3 यानी 1.66। इधर कितना होगा गामा 7/5 मींस 1.4। इधर गामा कितना होगा 8/6 यानी 4/3 मींस 1.33। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं गामा कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर एटोमिसिटी बढ़ेगी गामा का वैल्यू क्या होता है डिक्रीज होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखें, एटोमिसिटी बढ़ने के साथ साथ गामा का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करें एडियाबेटिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो पहले हम एडियाबेटिक की बात करें, एडियाबेटिक क्या होता है हीट एक्सचेंज यहाँ पर क्या हो जीरो, तो डेल्टा यू किसके बराबर Q+W के बराबर, तो Q क्या होगा यहाँ पर जीरो, तो डेल्टा U किसके बराबर W के बराबर होता है, राइट। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा U पॉजिटिव होगा, वर्क डन अगर नेगेटिव है तो डेल्टा U नेगेटिव होगा। तो अगर W पॉजिटिव है, W पॉजिटिव मीन्स वर्क डन ऑन सिस्टम अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा U भी क्या होगा पॉजिटिव। डेल्टा U पॉजिटिव होने का मीन्स फाइनल इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा इनिशियल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, यानी फाइनल टेम्परेचर इनिशियल के रेस्पेक्ट में क्या होगा ज्यादा होगा। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है, अगर कंप्रेशन प्रोसेस है एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, तो उसमें सिस्टम पे वर्क डन होगा और सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर इनिशियल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर कंप्रेशन एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर वर्क डन नेगेटिव है डब्ल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा यू भी कैसा होगा नेगेटिव होगा, यानी फाइनल टेम्परेचर इनिशियल के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, राइट, फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल के रेस्पेक्ट में कम हो जाएगी। तो यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में हीटिंग इफेक्ट होता है और एडियाबेटिक एक्सपांशन में कूलिंग इफेक्ट होता है, यानी इंटरनल एनर्जी सिस्टम का लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें यहाँ पर एक रिलेशन होता है, वो हम डायरेक्ट यूज में लेंगे, अगर आपने अगर उसको डिटेल में देखना है तो आप लेक्चर देख सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी गामा रिलेशन क्या होता है कांस्टेंट होता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की, ओनली रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं कि पी वी गामा रिलेशन क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो ये प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है कांस्टेंट है, तो पीवी गामा कांस्टेंट, इसको आप क्या कर सकते हैं टेंपरेचर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। टेंपरेचर प्रेशर को आप क्या लिख सकते हैं टी अपॉन वी, तो ये क्या होगा टी वन वी वन गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस वन। तो टेम्परेचर वॉल्यूम पावर गामा माइनस वन क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट होता है। आप चाहें तो इसको प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में भी लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम को क्या लिखना पड़ेगा पी अपॉन टी, तो ये क्या होगा यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा सॉरी टी अपॉन पी हो जाएगा, तो ये क्या होगा पी वन वन माइनस गामा टी गामा क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन आपको पता होने चाहिए, ये किसके लिए एप्लीकेबल है केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। वॉल्यूम को आप क्या ले सकते हैं टी अपॉन पी, तो ये क्या होगा वन माइनस गामा टी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक। अब हम वर्क डन की बात करें तो डेल्टा यू किसके बराबर डब्ल्यू के बराबर होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो डी डब्ल्यू रिवर्सिबल प्रोसेस काफी स्लो प्रोसेस, तो ये क्या होगा एन सी वी डी टी किसके बराबर होगा यहाँ पे माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी के बराबर। एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस है तो किसके बराबर होगा गैस के प्रेशर के बराबर एनआरटी अपॉन वी वी उसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एन सी वी डी टी किसके बराबर पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला है, आप इससे डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड बात करें एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस डब्ल्यू क्या होगा यहाँ पे डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू जीरो रहने वाला है तो डेल्टा यू क्या होगा माइनस डब्ल्यू क्या होगा इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल माइनस पी एक्स टेन डेल्टा वी। तो इसी से यहाँ पर आप वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे डेल्टा यू इक्वल टू माइनस पी एक्स टेन डेल्टा वी। डेल्टा यू को आप क्या ले सकते हैं
माइनस डेल्टा यू को एन सी वी टी टू माइनस टी वन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू को क्या डेल्टा वी को क्या ले सकते हैं वी टू माइनस पी वन और वी टू को आप क्या ले सकते हैं एन सी वी टी टू माइनस टी वन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू क्या होगा एन आर टी टू अपॉन पी टू माइनस एन आर टी वन अपॉन P1. तो यहाँ पे अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो अगेन सिमिलर डेल्टा यू निकाल लीजिए या W निकाल लीजिए एक से ही आपका काम बन जाएगा. बट जनरली क्वेश्चन जो गिवन होता है वो ऐसा गिवन होता है कि यहाँ पर आपको NCVT2 - T1 में आपको T1 का वैल्यू गिवन होगा और T2 का वैल्यू पूछ लिया जाएगा. T2 का वैल्यू आपको अगर आपको पता है तो NCVT2 - T1 से आप डेल्टा यू निकाल सकते हैं यानी वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस निकाल सकते हैं. इसके क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रीवियस वाले पोर्शन में देखेंगे जो अगला पोर्शन हमारा रहेगा. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. हम यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या बोल रहे हैं Q0 है तो डेल्टा U किसके बराबर W के बराबर. तो अगर हम यहाँ पे किसी एक पास से दूसरे पास पर जा रहे हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं A और B तक चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जाए चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू तो इनिशियल फाइनल क्वेश्चन अगर सिमिलर है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए राइट. बट यहाँ पे वर्क डन क्या होता है पाथ फंक्शन है तो दोनों के पाथ क्या होंगे डिफरेंट होंगे. तो यहाँ पे अगर वर्क डन डिफरेंट है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा डिफरेंट होगा. यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि इनिशियल फाइनल क्वेश्चन सिमिलर होते हुए भी इंटरनल एनर्जी में चेंज सिमिलर नहीं होगा. क्यों सिमिलर नहीं होगा उसका सीधा सीधा मीनिंग है. क्यों सिमिलर नहीं होगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और यहाँ पे एक्सपांशन या कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है. इसलिए इंटरनल एनर्जी इनिशियल यहाँ पर चेंज की हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में बराबर नहीं होगी. सिंस डब्ल्यू रिवर्सिबल और डब्ल्यू इरिवर्सिबल बराबर नहीं होगा तो डेल्टा यू रिवर्सिबल डेल्टा यू इरिवर्सिबल के भी बराबर नहीं होगा. ठीक है तो इसमें हम यहाँ पर अगर बात करें कि जो हमने बात किया था आइसोथर्मल प्रोसेस में W किसका ज्यादा होता है अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें अगर हम एक्सपांशन को कंपेयर करें तो रिवर्सिबल एक्सपांशन का वर्क डन क्या होता है W इरिवर्सिबल एक्सपांशन से ज्यादा होता है राइट. तो यहाँ पर डेल्टा यू इक्वल टू W तो यहाँ पे एक्सपांशन की बात कर रहे हैं तो एक्सपांशन का वर्क डन क्या है ज्यादा है तो जिसका वर्क डन ज्यादा होगा उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा ज्यादा होगा. तो डेल्टा यू यहाँ पर रिवर्सिबल एक्सपांशन का क्या होता है डेल्टा यू ऑफ इरिवर्सिबल एक्सपांशन से ज्यादा होता है. तो इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा या चेंज यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा. हम चेंज की बात कर रहे हैं फाइनल की बात नहीं कर रहे. अब देखिए यहाँ पे एक्सपांशन में वर्क डन कैसा होता है नेगेटिव तो यहाँ पर एक्सपांशन प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा यानी मोर नेगेटिव है. इस वजह से समझ लीजिए एक्सपांशन प्रोसेस में वर्क डन यहाँ पे सपोज 50 जूल है माइनस 50 तो यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर माइनस 50 जूल है तो इरिवर्सिबल एक्सपांशन में कितना होगा सपोज माइनस 20 जूल. वर्क डन तो कैसा होता है यहाँ पे नेगेटिव ही होने वाला है. तो जहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा वहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगा नेगेटिव होगा यानी इसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रहा होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम के थ्रू ज्यादा वर्क डन हो रहा है. तो वर्क डन ज्यादा हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में लॉस होगा. इंटरनल एनर्जी में लॉस होगा तो टेम्परेचर भी यहाँ पे इसका ज्यादा लॉस होगा. तो हम क्या बोलेंगे यू टू ऑफ रिवर्सिबल एक्सपांशन क्या होगा यहाँ पर कम होगा यू टू ऑफ इरिवर्सिबल एक्सपांशन राइट. जिसका इंटरनल एनर्जी फाइनल कम है उसका फाइनल टेम्परेचर भी क्या होगा रिवर्सिबल एक्सपांशन प्रोसेस का यहाँ पर कम होगा किसके रेस्पेक्ट में टी टू ऑफ इरिवर्सिबल एक्सपांशन. तो दोनों का फाइनल टेम्परेचर ही डिफरेंट है तो चाहे आप रिवर्सिबल एक्सपांशन करो चाहे इरिवर्सिबल एक्सपांशन दोनों का फाइनल टेम्परेचर डिफरेंट है तो यहाँ पे दोनों का फाइनल इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा डिफरेंट होगा. तो चेंज तो यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंट रहने वाला है. ठीक है इसी को अगर हम कंप्रेशन में देख लें तो यहाँ पर कंप्रेशन में हम क्या बोलते हैं कंप्रेशन में किसका वर्क डन ज्यादा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस का. ये कंप्रेशन किसके थ्रू कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का कंप्रेशन है उसके बेसिस पर हम बता रहे हैं कि डब्ल्यू इरिवर्सिबल कंप्रेशन और डब्ल्यू रिवर्सिबल कंप्रेशन एंड इरिवर्सिबल कंप्रेशन को हम कंपेयर करें तो वर्क डन किसका ज्यादा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कंप्रेशन में ज्यादा होता है. ठीक है मैं आपको रफली बता देता हूँ ये रिवर्सिबल एक्सपांशन ये रिवर्सिबल कंप्रेशन ये इरिवर्सिबल एक्सपांशन
और ये इरिवर्सिबल कंप्रेशन। तो यहाँ पे हमने एक्सपांशन को कंपेयर किया था, रिवर्सिबल का वर्कडन ज्यादा था, कंप्रेशन को कंपेयर किया तो इरिवर्सिबल का वर्कडन ज्यादा होगा, बट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे जिसका वर्कडन ज्यादा होगा उसका डेल्टा यू भी क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा डेल्टा यू। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें इरिवर्सिबल कंप्रेशन में किसका इंटरनल एनर्जी चेंज ज्यादा होगा, सॉरी कंप्रेशन में किसका इंटरनल एनर्जी चेंज ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का, देन डेल्टा यू ऑफ रिवर्सिबल कंप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे W पॉजिटिव है कंप्रेशन में तो डेल्टा U भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी किसका ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल कंप्रेशन का। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पर अगर हम फाइनल टेम्परेचर की बात करें तो फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा रहने वाला है, इरिवर्सिबल कंप्रेशन में और इरिवर्सिबल एक्सपांशन में, दोनों ही, इन दोनों में ही इरिवर्सिबल प्रोसेस का ज्यादा होगा। फाइनल इंटरनल एनर्जी दोनों में ही इरिवर्सिबल प्रोसेस की ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे पीवी डायग्राम, हम यहाँ पे आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में सिमिलर इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम से स्टार्ट करते हुए फाइनल सिमिलर वॉल्यूम तक एक्सपांशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से होता है ना आपको कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का है, कौन सा आइसोकोरिक का है, कौन सा एडियाबेटिक का है और कौन सा यहाँ पे आइसोकोरिक का है। तो प्रेशर कॉन्स्टेंट तो किसका ग्राफ होगा, आइसोकोरिक, सॉरी आइसोबैरिक, राइट। यहाँ पे किसका ग्राफ होगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, तो ये किसका होगा, आइसोकोरिक। अब ये दो ग्राफ है, एक आइसोथर्मल का है और एक आइसो सॉरी एडियाबेटिक का है, तो कैसे पता लगेगा कौन सा आइसोथर्मल का ग्राफ है कौन सा एडियाबेटिक का ग्राफ है। तो सिंपल सा लॉजिक है, हमें पता है आइसोथर्मल में थ्रू ऑफ द प्रोसेस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, तो जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है वो आइसोथर्मल होगा और जिसमें टेम्परेचर वेरी हो रहा है वो एडियाबेटिक होगा। अब हम ये बात करें किसकी, एक्सपांशन की, तो एक्सपांशन में क्या होता है, यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो वर्क डन कैसा होता है एक्सपांशन में, नेगेटिव होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है तो डेल्टा यू भी क्या होगा, नेगेटिव, यानी इन हम ये एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, एडियाबेटिक एक्सपांशन, तो अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो डेल्टा यू नेगेटिव, यानी टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम क्या था, सिमिलर था, तो यहाँ पे देख लीजिए फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम को कंपेयर करते हुए, अगर मैं इसमें बात करूं तो दोनों का वॉल्यूम तो सिमिलर है बट यहाँ पे प्रेशर क्या है, डिफरेंट है। तो PV इक्वल टू NRT, अगर वॉल्यूम सिमिलर है तो डिफरेंट प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर T था, फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज हो गया है एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो जिसका टेम्परेचर कम उसका प्रेशर कम, तो इन दोनों में प्रेशर कम किसका है, इस वाले ग्राफ का, तो ये प्रोसेस किसका होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस का, और ये ग्राफ किसका होगा, आइसोथर्मल का। तो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम सेम रखते हुए अगर हम यहाँ पर एक्सपांशन कर रहे हैं फाइनल सिमिलर वॉल्यूम तक, तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होगा, यहाँ पर आइसोबैरिक प्रोसेस का, हम यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, देन फिर आइसोथर्मल का वर्क डन होगा, डब्ल्यू ऑफ आइसोथर्मल, देन फिर डब्ल्यू ऑफ एरिया बेटिक। तो इस तरीके से हम वर्कडन को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आइसोकोरिक का वर्कडन तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए, तो हमने देख लिया है वर्कडन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस तो वर्कडन कैसे निकालना है, आइसोबैरिक प्रोसेस तो कैसे निकालना है, आइसोकोरिक है तो कैसे निकालना है, और एडियाबेटिक प्रोसेस तो कैसे निकालना है। तो ये सारे वर्कडन कब है, जब गैस एक्सपांड या कंप्रेस हो रही है। अगर हम केमिकल रिएक्शन के लिए बात करें, फॉर केमिकल रिएक्शन, तो जितना भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर कंसिडर किया गया है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर ही वहां पर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन में वर्क डन कैसे निकालना है, सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है स्मॉल ए और बी की रिएक्शन से सी और डी यहाँ पर बन रहा है, तो इसमें मैं वर्क डन कैसे निकालूंगा, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी से, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज कैसे होगा, माइनस पी एक्सटर्नल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम गैस का मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वी इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी से, राइट। प्रेशर कॉन्स्टेंट ये कंसिडर करके चलते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है तो वॉल्यूम किसके अकॉर्डिंग, मोल्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, n final into RT upon V, तो final कितने total moles है वो put कर देंगे, initial volume क्या होगा, initial moles into RT upon, sorry P, V
एक्सटर्नल प्रेशर ही रहेगा, बिकॉज प्रेशर क्या रहता है यहाँ पे कॉन्स्टेंट, तो वर्क डन क्या होगा माइनस पी एक्सटर्नल फाइनल मोल्स इनटू आरटी अपॉन पी एक्सटर्नल माइनस इनिशियल मोल्स इनटू आरटी अपॉन पी एक्सटर्नल, तो पी एक्सटर्नल कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा एनजी आरटी, डेल्टा एनजी क्या होगा फाइनल गैसेस मोल्स माइनस इनिशियल गैसेस मोल्स, राइट। अब हम यहां पे बात करें कि बिकॉज यहां पर हमने अभी तक निकाला हुआ है डेल्टा यू क्या था गैस के लिए एनसीपी डेल्टा डी, और डेल्टा एच क्या था गैस के लिए एनसीपी डेल्टा टी, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी जीरो हुआ, डेल्टा टी जीरो हुआ तो डेल्टा यू क्या होता है जीरो होता है, ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं डेल्टा एच भी क्या होगा जीरो, ये किसके लिए बात कर रहे हैं आइडियल गैस के एक्सपांशन या कंप्रेशन में, बट केमिकल रिएक्शन में वहां पर डेल्टा यू डेल्टा एच जीरो नहीं होता है। क्यों जीरो नहीं होता है, क्योंकि जो डेल्टा यू होता है वो किस तरह की एनर्जी होती है सभी तरह की एनर्जी का सम, कौन कौन सी रोटेशनल वाइब्रेशनल और कौन सा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बॉन्ड एनर्जी सभी तरह की एनर्जी, बट जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जब यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन होता है तो बॉन्ड का वेरिएशन होता है, बॉन्ड का वेरिएशन होगा तो बॉन्ड एनर्जी का भी वेरिएशन होगा, तो इनिशियल बॉन्ड एनर्जी और फाइनल बॉन्ड एनर्जी सिमिलर होगी तो ही डेल्टा एच जीरो होगा, बट तो ही डेल्टा यू जीरो होगा, बट यहाँ पे इनिशियल बॉन्ड एनर्जी और फाइनल बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होती है इसलिए डेल्टा यू यहाँ पर जीरो नहीं होता है। तो ये बिल्कुल इसलिए कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो वहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो नहीं होगा, सिमिलरली बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होती है तो हीट एब्जॉर्ब भी होती है एमिट भी होती है, तो एंथैल्पी रिएक्शन का कुछ ना कुछ होता है तो एंथैल्पी चेंज भी यहां पर जीरो नहीं होता, तो उसके लिए क्या रिलेशन होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी, तो ये रिलेशन आपको यूज में लेना होता है किसके लिए फॉर केमिकल रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी, इसको आपके क्या बोल सकते हैं एंथैल्पी चेंज को हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा यू को क्या बोल सकते हैं हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एंट्रोपी का, एंट्रोपी क्या होता है एक तरह से रैंडमनेस की बात की जाती है, हालांकि हमारे सिलेबस में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट डेरिवेशन नहीं है, जो कार्नोट साइकिल वाला प्रोसेस होता है वो आपको फिजिक्स में रहता है, बट हम यहाँ पे जो एंट्रोपी से रिलेटेड कैलकुलेशन है वही करते हैं। तो जनरली हम बात करते हैं एंट्रोपी क्या होता है रैंडमनेस की बात करते हैं जो हम केमिस्ट्री लेवल पे बात करते हैं, और एंट्रोपी यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होती है डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल किसके बराबर होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, तो बोला है कि जो यूनिवर्स का एंट्रोपी होता है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, तो अगर डेल्टा एस जीरो से ज्यादा है यूनिवर्स का एंट्रोपी पॉजिटिव है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होने वाला है, और अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स यहाँ पर डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग लेस देन जीरो होता है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करते हैं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स नेगेटिव होना और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स का एंट्रोपी पॉजिटिव होना। तो जनरली जो हम यहाँ पे डीएस की बात करते हैं एंट्रोपी चेंज क्या होता है डीक्यू अपॉन टी से यहाँ पर कैलकुलेट करता है, ये जो रिलेशन है ये भी कार्नोट साइकिल से ही आता है इसलिए हमें यहाँ पे इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं होता है। अगर आप एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम की बात करते हैं तो क्या होता है इंटीग्रेट कर देंगे हीट ऑफ सिस्टम अपॉन टी से हम क्या करते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम निकालते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जो भी प्रोसेस है अगर हम सिस्टम की एंट्रोपी निकाल रहे हैं तो ये यही कंसिडर करते हैं कि प्रोसेस कैसा होगा रिवर्सिबल, तो जो सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है वो हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैसे निकालते हैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो दोनों में सेम फॉर्मूला हम डेल्टा एस ऑफ सिस्टम के लिए यूज में लेते हैं, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होता है एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, तो इस फॉर्मूले से आप एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम को कैलकुलेट करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट, तो T2 और T1 क्या होगा बराबर, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होता है यहाँ पर ये बराबर होगा तो LN1 क्या होगा जीरो, तो ये क्या होगा NRLN
वी टू अपॉन वी वन के बराबर, या फिर वॉल्यूम को आपकी क्या लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन पी वी लिख सकते हैं, तो एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन क्या और लिखा जा सकता है एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू भी लिखा जा सकता है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम सिस्टम के लिए ही बात कर रहे हैं। सेकेंड आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर V1 और V2 बराबर होगा, तो डेल्टा S ऑफ सिस्टम किसके बराबर होगा NCV ln T2 upon T1 के बराबर होता है, राइट। नेक्स्ट थर्ड बात कर रहे हैं यहाँ पर डेल्टा आई कौन सा आइसोबैरिक प्रोसेस, डेल्टा S ऑफ सिस्टम क्या होगा यहाँ पर आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे आइसोबैरिक को एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन लिख सकते हैं। वॉल्यूम वी टू को आप क्या लिख सकते हैं एन आर टी टू अपॉन पी और वी वन को एन आर टी वन अपॉन पी, बिकॉज प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है, वेरिएशन किसका होगा टेम्परेचर का होगा, तो वी टू को यहाँ पुट कर दें एन आर टी टू अपॉन पी और एन आर टी वन अपॉन पी, तो बचेगा क्या यहाँ पे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम equal to NCV ln T2 upon T1 plus NR ln T2 upon T1, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं N ln T2 upon T1 कॉमन ले लीजिए, N ln T2 upon T1 क्या होगा CV plus R, तो डेल्टा S ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा यहाँ पर CV plus R क्या होता है CV NCV ln T2 upon T1 हो जाएगा, तो ये किसके लिए सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज आपको आइसोबैरिक प्रोसेस में मिल जाएगा। फोर्थ एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, एडियाबेटिक प्रोसेस में बिकॉज क्यू क्या होता है जीरो होता है, सिस्टम ने कोई हीट चेंज नहीं किया सराउंडिंग के साथ, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या हो जाता है यहाँ पर जीरो हो जाता है, राइट। उसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होगा यहाँ पर एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, राइट। तो जितना एंट्रोपी, बिकॉज यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का रेंडमनेस क्या होता है इंक्रीज होता है, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो भी ज्यादा स्पेस मिलने से एंट्रोपी ऑफ गैस क्या होगा इंक्रीज होगा। तो अगर अब यहाँ पे हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, अगर वॉल्यूम बढ़ता है यानी एक्सपांशन प्रोसेस, तो वॉल्यूम बढ़ने से एंट्रोपी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ा एक्सपांशन हुआ, एक्सपांशन यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपांशन क्या होता है कूलिंग इफेक्ट, तो अगर वॉल्यूम की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर की वजह से एंट्रोपी क्या होता है डिक्रीज होता है, राइट। तो जितना एंट्रोपी यहाँ से बढ़ा उतना ही एंट्रोपी यहाँ की वजह से कम हो जाता है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होता है जीरो होता है, ये केवल रिवर्सिबल प्रोसेस में जीरो होता है, इररिवर्सिबल प्रोसेस में जीरो नहीं होता है, ये यहाँ पे समझने का पॉइंट है। हालांकि वो अभी तक वहां से हमारे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, इसलिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत। नेक्स्ट बात करें हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम एंट्रोपी चेंज की बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सपोज हम बात करें सब्लिमेशन का या सब्लिमेशन या वेपोराइजेशन या फ्यूजन का, फर्स्ट हम बात करें फ्यूजन का, तो फ्यूजन यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रेशर पर भी हो सकती है और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी हो सकती है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन टी, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टी, तो ये आपको मिल जाएगा एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन। तो जब मेल्टिंग हो रहा होगा तो इस तरीके से आप एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन क्या होगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन टी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है इंटरनल एनर्जी चेंज, तो डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगा डेल्टा यू ऑफ फ्यूजन अपॉन टी। तो इस तरीके से आप एंट्रोपी चेंज फेज ट्रांसफॉर्मेशन में निकाल सकते हैं। यही चीज हम वेपोराइजेशन के लिए बात करें तो वेपोराइजेशन के लिए क्या होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन टी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टी। सेकंड यही हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन टी या डेल्टा यू ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन
टी, तो ये क्या हो जाएगा एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। अगर सब्लिमेशन का होगा तो कांस्टेंट प्रेशर का होगा तो एंथैल्पी पुट कर देंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ सब्लिमेशन अपॉन टी। इस तरीके से आप यहां पर एंट्रोपी वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एंट्रोपी चेंज को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस तो ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ तो एंट्रोपी क्या होगा बढ़ेगा, राइट। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो एंट्रोपी क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो गैस को मूव करने के लिए ज्यादा वॉल्यूम स्पेस मिलेगा तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एंट्रोपी इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ एंट्रोपी डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज होना या प्रेशर डिक्रीज होना एक ही बात है, तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो भी एंट्रोपी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो भी एंट्रोपी इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ तो एंट्रोपी भी क्या होगा डिक्रीज होगा। यही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, वॉल्यूम चेंज क्या होगा जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज अगर जीरो है तो क्या बचेगा एनसीवीएम टी टू अपॉन T1, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो एंट्रोपी कम होगा। यही हम यहाँ पर आइसोबैरिक प्रोसेस में बात कर सकते हैं एनसीपीएलएन T2 अपॉन T1। तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाया तो एंट्रोपी बढ़ा, टेम्परेचर कम हुआ तो एंट्रोपी यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एंट्रोपी का वेरिएशन हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ सकता है। सपोज फर्स्ट दे दिया केमिकल रिएक्शन, तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ गैसेस मोल्स बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी क्या होगी इंक्रीज हो रही होगी। तो सपोज यहाँ पर रिएक्शन है PCl5 से PCl3, या एक सिंगल रिएक्शन रिएक्शन PCl3 प्लस Cl2, तो यहाँ पे गैसेस मोल्स कितने हैं दो है, यहाँ पे गैसेस मोल्स कितना है वन। तो अगर गैसेस मोल्स इंक्रीज हुए तो एंट्रोपी क्या होगी इंक्रीज होगी, और अगर गैसेस मोल्स डिक्रीज हुए तो एंट्रोपी क्या होगी डिक्रीज। तो अगर हम डेल्टा एनजी की बात करें, डेल्टा एनजी क्या होगा गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हम गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस लें तो अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मीन गैसियस मोल्स क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या होगी बढ़ेगी। अगर डेल्टा एनजी जीरो आ रहा सॉरी नेगेटिव आ रहा है तो इसका मीन गैसियस मोल्स कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी क्या होगी डिक्रीज होगी। अगर डेल्टा एनजी जीरो आ रहा है यानी एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा, एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज आपको पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर एंट्रोपी चेंज कैसा मिलेगा नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सॉलिड लिक्विड और गैस में अगर हम कंपेयर करें, सॉलिड लिक्विड और गैस अगर इनमें कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगी वो क्या होगी गैस का होगा, देन फिर लिक्विड और देन फिर सॉलिड, राइट। अगर आपको किसी रिएक्शन में ऐसा गिवन है कि कोई सॉलिड किसी लिक्विड में चेंज हो रहा है तो अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ तो एंट्रोपी बढ़ी, राइट, और अगर सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। जैसे वाटर का वेपोराइजेशन होगा तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ तो एंट्रोपी क्या होगी वहां पर इंक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करें गिब्स फ्री एनर्जी। एक्चुअली हमने यहाँ पे एंट्रोपी में देखा कि अगर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स पॉजिटिव है तो हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, बट यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी को बताने के लिए एक नया फंक्शन लाया गया है जिसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं तो सिस्टम और सराउंडिंग का सम होता है। सिस्टम का मेजरमेंट हमें पता है, सिस्टम का वॉल्यूम क्या है, सिस्टम का प्रेशर क्या है वो हम मेजर कर सकते हैं, बट सराउंडिंग के लिए मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं। सराउंडिंग का वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या चेंज हो रहा है उसका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए हम यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन लाते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस को बताते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम किसके बराबर होता है, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम के बराबर। ये डायरेक्ट रिलेशन ही आप यूज में लेना, ठीक है। अच्छा, हमने एक बात की थी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स किसके बराबर होता है, डेल्टा S of system plus delta S of surrounding, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेल्टा जी के बेसिस पे बताते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ है नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, उसके लिए तीन चीजें आपको पता होगी। डेल्टा S of system अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे प्रोसेस कैसा होगा स्पॉन्टेनियस होगा, अगर डेल्टा जी ऑफ सिस्टम पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी ऑफ सिस्टम जीरो है तो प्रोसेस कैसा होगा इक्विलिब्रियम पर होगा, ठीक है। ये तीन चीजें हमें पता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे डेल्टा एस ऑफ
यूनिवर्स डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो अगर हमें डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग लिखना है तो क्या होगा, क्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन टी। अब सराउंडिंग को कितना हीट एक्सचेंज हुआ वो हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अगर सराउंडिंग का हीट की बात करें तो क्या होगा, माइनस क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन की। क्यू ऑफ सिस्टम को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी, राइट। तो अगर हम यहाँ पे सराउंडिंग को पुट करना चाहें तो क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी यहाँ पे प्लेस करें तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स किसके बराबर होगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी। टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स किसके बराबर, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। इससे कंपेयर करें डेल्टा एच पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें अपॉन टी से, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स किसके बराबर, माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। अब ये दो इक्वेशन आपको मिली, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इनको कंपेयर करें तो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर, ये माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम किसके बराबर, माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के बजाय अगर सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करें तो ही आप बता सकते हैं स्पॉन्टेनिटी क्या होगी। तो अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स पॉजिटिव है तो डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होने का मीन्स ये पॉजिटिव होना या इसका नेगेटिव होना क्या बताएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये नेगेटिव होना और इसका पॉजिटिव होना क्या बताएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहां से आप प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसे स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करें तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होगा, डेल्टा एच नॉट ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच नॉट ऑफ सिस्टम के बराबर, राइट। इसके अलावा एक रिलेशन और आपने देखा होगा, डेल्टा जी किसके बराबर, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू के इक्वल। क्यू क्या होता है यहाँ पर, क्यू क्या होगा, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम की हम बात करें, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, जीरो, और क्यू किस में चेंज हो जाता है, केसी में चेंज हो जाता है, केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जीरो इक्वल टू, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ जीरो पुट कर देंगे, डेल्टा जी नॉट को इधर ले आइए तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के बराबर, 10 बेस में चेंज कर देंगे तो डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 2.303 आर टी लॉग के के इक्वल। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन आपको यहां से मिल जाएगा। तो अगर डेल्टा जी नॉट बताए तो के बता सकते हैं, और अगर के बताए तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू भी आप यहां से निकाल सकते हैं। जो रिलेशन मिला है आपको क्या है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, यहां से के निकालना हो तो क्या करेंगे, आर टी को उधर भेज दो, सो एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, के निकालना है ई बेस पर है तो एंटी लॉग ले रहे हैं ई बेस पर, सो के विल बी इक्वल टू ई पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। तो ये एक रिलेशन ये भी आपको पूछा जाता है, राइट। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जो इसमें थर्मल जो गिब्स रिलेशन में लास्ट पॉइंट आता है वो होता है स्पॉन्टेनिटी का कैलकुलेशन का। हम क्या बोलते हैं कि डेल्टा जी जो होता है वो किसके बराबर, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है। एट इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें तो डेल्टा जी क्या होगा यहाँ पर, जीरो हो जाता है, तो इसको जीरो पुट कर दें तो डेल्टा एच किसके बराबर, टी डेल्टा एस के बराबर। तो ये कौन सा टेम्परेचर होगा, इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर प्रोसेस क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। तो ये इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर आपको निकालना है तो किसके बराबर, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से आप निकाल सकते हैं, राइट। अब अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ही प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो अगर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम वाले टेम्परेचर से इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा जी के साथ होता जाएगा नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और अगर टेम्परेचर हमने इक्विलिब्रियम, बिकॉज डेल्टा जी अगर जीरो करना है तो ये दोनों बराबर होंगे पॉजिटिव वैल्यू में, तभी यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू पुट करने पे ये पूरा टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव टर्म ये नेगेटिव टर्म दोनों इक्वल है तो डेल्टा जी जीरो। अब अगर ये टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज होगा इक्विलिब्रियम वाले टेम्परेचर से तो ये नेगेटिव टर्म का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपको किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन से स्पॉन्टेनियस में भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी ओवरऑल डेल्टा जी को आपको नेगेटिव करना है, वो लॉजिक आपको लगाना है। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन की हम बात करते हैं। यहां पर कब
प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो फर्स्ट कंडीशन, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है। सेकेंड कंडीशन, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव पुट करो, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये पूरा टर्म पॉजिटिव, तो डेल्टा जी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। मींस प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव रहने वाला है तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा। सेकंड बात करें, डेल्टा एच को हमने पॉजिटिव पुट किया, डेल्टा एच को भी अगर पॉजिटिव पुट कर देंगे तो यहाँ पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे कि अगर टेम्परेचर छोटा है तो ये टर्म छोटी होगी, ये वाली टर्म बड़ी होगी, तो डेल्टा जी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव कब मिलेगा, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर छोटा है तो डेल्टा एच कैसा, डेल्टा जी आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। वही ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, आपने टेम्परेचर को बड़ा कर दिया तो ये टर्म बड़ी हो जाएगी, नेगेटिव वाली टर्म बड़ी हुआ तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कब मिल सकता है, यानी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, थर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं, हमने डेल्टा एच को ले लिया नेगेटिव, डेल्टा एच को भी ले लिया नेगेटिव, राइट। डेल्टा एच को हमने रखा नेगेटिव, डेल्टा एच को रखा हमने नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इधर वाला टर्म नेगेटिव में है, इधर वाला टर्म पॉजिटिव में है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव, तो जब ये टेम्परेचर छोटा होगा तो हम क्या बोलेंगे, एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी कैसा होगा, यहाँ पर नेगेटिव। डेल्टा जी अगर नेगेटिव तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर बड़ा हो गया तो बिकॉज ये नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। एंड फोर्थ कंडीशन की बात करें, ये हो जाए नेगेटिव और ये हो जाए पॉजिटिव, ये वाली टर्म है नेगेटिव, ये वाली टर्म है पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर एट ऑल टेम्परेचर प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतने सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पर पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेश्चन करेंगे उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको बेसिक जितना भी नीट लेवल टॉपिक है वो तैयार हो जाएगा। आज तक इतना काफी, नमस्कार।